आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टाइम्स ऑफ राजस्थान पर। भाइयों, आज हम आप सभी को महान क्षत्रिय राजपूत सम्राट वत्सराज प्रतिहार की जीवनी के बारे में इस वीडियो के द्वारा बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रतिहार परिहार एक ऐसा वंश है जिसकी उत्पत्ति पर कई महान इतिहासकारों ने शोध किए, जिनमें से कुछ अंग्रेज भी थे और वे अपनी सीमित मानसिक क्षमताओं तथा भारतीय समाज के ढांचे को न समझने के कारण इस वंश की उत्पत्ति पर कई तरह के विरोधाभास उत्पन्न कर गए। प्रतिहार एक शुद्ध क्षत्रिय राजपूत वंश है जिसने गुर्जरा देश से गुर्जरों को खदेड़ने व राज करने के कारण गुर्जरा सम्राट की भी उपाधि पाई। तो आइए जानिए प्रतिहार वंश और सम्राट वत्सराज को। सम्राट वत्सराज 775 से 800 ईस्वी तक प्रतिहार परिहार राजवंश का संस्थापक था। वत्सराज प्रतिहार के पिता देवराज प्रतिहार थे एवं भूमिका देवी उनकी माता थी। सम्राट वत्सराज ने सिंहासन ग्रहण करते ही अपने पूर्वज सम्राट नागभट्ट की भांति अपने राज्य के चारों दिशाओं में वृद्धि करने का निश्चय किया। सम्राट वत्सराज के समय में उज्जैन में श्रीहर्ष का ममेरा भाई भंडी शासन कर रहा था। वह बार बार जालौर राज्य को अधीनता में लेने का पैगाम भेज रहा था। देवराज प्रतिहार उससे डर रहा था। वत्सराज प्रतिहार ने शासन ग्रहण करते ही उज्जैन पर आक्रमण कर दिया और राजा भंडी को कैद कर लिया और उसके संपूर्ण परिवार को राज्य से बाहर कर दिया। वत्सराज ने ही प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी उज्जैन को बनाया। मंडोर राज्य के कमजोर हो जाने के बाद भारत में तीन महाशक्तियां अस्तित्व में थी। प्रतिहार साम्राज्य उज्जैन राजा वत्सराज, पाल साम्राज्य गौड राजा धर्मपाल, राष्ट्रकूट साम्राज्य दक्षिण भारत राजा ध्रुव। वत्सराज के सम्मुख अपने साम्राज्य के लिए पाल वंश और राष्ट्रकूट दोनों ही समान खतरे थे। दोनों की निगाहें उज्जैन पर लगी थी। वत्सराज भी अवसर व साधन की प्रतीक्षा कर रहा था। भंडी पर विजय प्राप्त होने से वत्सराज को पर्याप्त धन व युद्ध सामग्री और सैन्य बल प्राप्त हो गया था। इससे संपन्न होकर प्रतिहार वंश के प्रमुख शत्रु धर्मपाल पर वत्सराज ने ही आक्रमण कर दिया। गंगा यमुना नदी के दोआब में लड़ा गया युद्ध अति भयानक था। अंततः धर्मपाल पीछे हटने लगा। वत्सराज ने उसे बंगाल की खाड़ी तक खदेड़ा। यहाँ पर पुनः एक निर्णायक युद्ध हुआ। इस युद्ध में धर्मपाल ने ही संधि प्रस्ताव भेजा और उज्जैन साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली। गौड राज्य की विजय से सम्राट वत्सराज प्रतिहार की कीर्ति चारों दिशाओं में इतनी बुलंद हुई कि धर्मपाल और राजा ध्रुव ने एक एक राजछत्र और राज्यलक्ष्मी उसे भेंट कर दिया। सम्राट वत्सराज प्रतिहार केवल उज्जैन साम्राज्य का ही नहीं बल्कि संपूर्ण उत्तरी भारत का वैभव काल था। प्रशासन की स्वच्छता, न्याय की आस्था और कृषि व्यापार की संपन्नता ने उज्जैन को भारत का मुकुट और वत्सराज प्रतिहार को राजा अधिराज का पद दिया। तो भाइयों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री राम।